ए दादी, ए दादी आई, दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। समीर, समीर बेटा। नहीं दादी, समीर को मत बुला, समीर बहुत खराब है। क्यों? वो कल मेरा ना चॉकलेट लेके भाग गया था, आज है ना मैं तुम्हारा चश्मा लेके भागूंगा। मेरा चश्मा? नहीं मैं भागूंगा, तुम्हें पीछे पीछे आओ। क्या हो रहा है? देखिए इस 60 साल के बुढ़े को जरा समझाइए प्लीज। जी ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं मैं इनका बेटा हूँ। हाँ ये मेरी पारी पारी मम्मी है। मम्मी दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे, बहुत कंजूस है। मेरे प्यारे बेटे लो मेरे चश्मा दे दे। बगल एक छलक पे। वो क्या? अपन क्रिकेट खेलेंगे। अरे मुझे वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इसको बॉल की तरह फेंकूंगा, तुम उल के कैच पकड़ना। नहीं आ रहा। रानी का पूरा खानदान मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि उसका कुत्ता टॉमी भी। दादी ये आपके पोते की प्रेम कथा है, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे तू चिंता क्यों करता है, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू लड़की मुझे दिखा दे, मैं खुद जाके बात करूंगी। अच्छा आ जाओ दिखाता हूं उसे। मेरे बच्चे। दादी वो रही रानी। कहाँ है बेटा? वो दादी सामने तो खड़ी है। हाँ। है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा तू ऑफिस जा और अपना काम कर, मैं उसके घर जाकर खुद बात करूंगी। हाँ? ओके दादी बाय। बाय बच्चे। बेटी। जी माँ जी मैं यहाँ हूँ। ओह अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है। जी अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है, आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी तुम डरना नहीं, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा हा? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है, आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ। लो आ दादी। समीर। दादी बात हो गई दादी? हाँ बेटा बात हो गई। वेरी गुड, रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ उसके बाद 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी ये क्या? दादी ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा जब से ये चश्मा टूटा है ना मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी, और फिर तेरी पसंद तो अच्छी होगी। जी दादी। दादी हा? ये कितनी उंगलियां हैं? 4, 3। दादी दादी। अरे बेटा अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है, और तू चिंता क्यों करता है, जा रानी की माँ से बात कर ले। समीर चलिए माँ जी। हाँ मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुँचने वाले हैं। लो पहुँच गए। जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली बॉटल लेकर आया हूँ, जाओ ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्म पत्नी जी हैं, जाओ सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूँ? अरे नहीं इससे ना ही वो बाहर जाएंगी ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी, बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है।
हाँ हाँ जाओ, हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर, तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इस यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर, तुम समीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए। जब तक समीर का काम ना हो जाए? मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कह देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे दो मिनट का ही तो काम है, कर्नल साहब कर लेने दो ना। देखता हूँ क्या कर रहा है वो। कर्नल साहब। अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज फॉर गॉड से मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाए यहाँ से। फॉर गॉड सेक समीर। आपकी साड़ी अटक गई है, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। रमा, रमा। हेलो कर्नल साहब। लो दुशासन को देख लो। रानी, क्या सोच रही हो बेटी? देखो, जैसे तुम सब लोग सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। समीर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, इसके बारे में मैंने बाद में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए आया था। वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम किसे चाहती हो, समीर को या सनी को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मा। सनी एक बहुत अच्छा लड़का है, He treats me really well. मुझे समीर भी पसंद है, पर वो पापा को पसंद नहीं। मैं क्या करूं? देखो बेटी, पापा और हमारी पसंद की फिक्र मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें पहले ये सोचना है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, समीर या सनी। और अगर ये भी समझ में ना आए तो फिर भगवान पर छोड़ दो।